जब कभी भी प्रभु अभिषेक के द्वारा जिन आत्माओं को बचाता है वो आत्माएं उसकी नहीं हैं, जिसकी सेवकाई में मछलियां पकड़ी गई हैं याद रखिएगा यदि अपने ज्ञान बुद्धि सूझ बूझ और समझ के आधार पर अपनी स्वयं की लाठी के रास्ते यदि मन्ना बरसाने की कोशिश कीजिएगा ना तो मन्ना ना बरसेगा और ना समुद्र फटेगा ना नील नदी का पानी लाल होने वाला है और न ही लाठी सांप बनने वाली है जब तक कि इस लाठी को जो मूसा की लाठी है उसको परमेश्वर की लाठी में बदल नहीं दीजिएगा देर शुड बी ए ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री इन एंड टाइम यदि अंत के दिनों में हर एक सेवक ने अपनी सेवकाई को परमेश्वर की आंखों से देख करके उसकी मर्जी के अनुसार तैयार करने वाली सेवा में एग्रीमेंट नहीं दिया तो बाइबिल का परमेश्वर कहता है इधर मत आओ ये पवित्र भूमि है क्योंकि तुम अपने तरीके से सेवा करते हो मेरा तरीका तुमने अडॉप्ट नहीं किया तुमने मेरे निर्देश का पालन नहीं किया तुम्हारी कलिस या मेरे वचन के आधार पर नहीं है इसलिए पतरस तेरी पकड़ी मछली तुझको मुबारक हो मैंने तेरे लिए आग में मछली भूंज करके रखी हुई है आलेलुया। आलेलुया। आज आपके सामने एक प्रश्न है <coughs> कलीसिया आपकी है या प्रभु की कलीसिया आपने बनाई है या आपके अंदर परमेश्वर अभिषेक देकर के कलिशिया बनाया जिस परमेश्वर के दास के अंदर परमेश्वर अभिषेक देकर के उसकी मर्जी के अनुसार सेवक को इस्तेमाल करते हुए कलिशिया का निर्माण करेगा वो कलिसिया उस सेवक की नहीं होगी वरन वो कलिशिया परमेश्वर की होगी आई विल बिल्ड माई नॉट योर माई चर्च आज अपने धड़कते सीने पर हाथ रख करके पूछे कलीसिया आपकी है या प्रभु की यदि कलीसिया प्रभु की है तो उसको प्रभु के तौर तरीके से पवित्र और सिद्धता की ओर ले जाना आपकी जरूरत है यदि आप उन्हें अपने सिद्धांतों और कानूनों में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रभु कहेगा ऐसी कलिसिया जो मनुष्य के द्वारा बनाए नियम और कानून के अनुसार कैद की गई है ऐसी कलिसियाओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके सिद्धांत परमेश्वर की ओर से आते हैं आपकी कलिसिया का नियंत्रण पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के हाथ में है या आप अपने कानू, कानून की डोर से उनको बांध के रखते हैं आज कितनी कलिसियाएं और कलिसिया के अगुए हैं उधर मत जाना वो प्रचारक को मत सुनना ये मत करना वो मत करना मेरे परमिशन के बिना उधर मत जाना वो हमारा कन्वेंशन नहीं है ये हमारा कन्वेंशन है हमारी मीटिंग में आना उनकी मीटिंग में नहीं जाना ये जितने भी प्रतिबंध आज कलिसियाओं के बीच में लगाए जा रहे हैं वो उनकी अपनी विरासत वाली कलिसिया है और जो किसी संस्था की कलिसिया है प्रभु कहता है वो मेरी नहीं हो सकती इसलिए तुम्हारी मछलियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है मुसा तेरी लाठी से मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे तो मेरी लाठी चाहिए आई विल बिल्ड माई चर्च मैं बनाऊंगा कलीसिया मेरे अभिषेक से क्या आप जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जिस रास्ते पर आज तक आप चलते रहे उससे मुड़ेंगे जिसको तुम अपनी बुद्धि के अनुसार कलिस या कहते रहे कि परमेश्वर की इच्छा समझने का प्रयास करके उस ओर मुड़ेंगे और जो जो लोग मुड़ेंगे आग से एक आवाज आएगी हे मूसा हे मूसा डायरेक्ट नाम लेगा वह हमारा जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है अर्थात तेरी सूझबूझ पवित्रता की वादान में आ गई है फिर वो कहेगा अपनी जूतियां उतार ले अर्थात तेरा व्यापारिक मोड बदल दे अपने निर्देश के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार लोगों को चलाना बंद कर जूतियां उतार ले फिर वो नए नियम में कहता है जूतियां पहन ले एक नया शूज मूसा को देना चाहता है अब उसके पेट की कमाई वाला शूज नहीं है ये। वरन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला जूता है मेल का जूता आज आपके लिए हम कुछ छोड़ देना चाहते हैं आप एक मछलियों का बंडल जरूर खींच के लाए हैं परंतु आपने क्या वो मछली खाई जो प्रभु ने ना जाने कहाँ से पकड़ के लाई और उसको ना तल तेल में फ्राई नहीं किया यहां फिर आग का काम है रोस्टेड फिश जी हालाया समझ रहे हैं मछली आग में भूंजी होना चाहिए आज आपकी कलिसिया आग में भूंजी हुई है कि आज आपके विश्वासी आग में भूझे गए हैं <laughs> अब आग समझ में ही नहीं आता तो फिर उसमें आग में भूंजे कैसे हम सो so, हमारा अग्नि का ये सम बनाने का वक्त है या आग क्या होगी उसे लगातार अध्ययन चलने वाले अध्ययन क्रम को समझने का प्रयास कीजिएगा मुझे तुम्हारी मछलियों से कोई मतलब नहीं तुम्हारी लाठी से कोई मतलब नहीं तुम्हारी सूझबूझ से मुझे कोई मतलब नहीं अब तो मैं कलिसिया को अपनी मर्जी से बनाना चाहता और जो जो कलीसिया मेरी मर्जी के अनुसार बनाई जाएगी मैं उसी को लेने आऊंगा बाकी सबको यहीं छोड़ जाऊंगा भले ही आप एक नहीं दस बपतिस्मा ले लिए होंगे दस सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग में एक भी बपतिस्मा लागू नहीं होगा जब तक कि आप परमेश्वर के पैटर्न पर आग में भुंज करके आग के बपतिस्मे को पाकर अपने आप को अदन के बगीचे के अंदर रहने वाले जीवन के पेड़ के करीब जाने वाले सिस्टम को अपने जीवन के अंदर अडॉप्ट नहीं कीजिएगा जब तक आप जीवन के पेड़ के पास जाने के लिए ज्वालामयी तलवारों का इनकाउंटर नहीं होने देंगे तब तक वह तुम्हें करीब नहीं आने देगी और जब तक आप करीब नहीं आइएगा तो जीवन का पेड़ का पास नहीं आने वाला फल नहीं खा पाएगा और जो फल खाएगा वह जीवन पाएगा और जो जीवन पाएगा वह अनंत जीवन का वेरा वारिसदार हो जाएगा